नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। दिन दहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या, हत्यारे फरार। गोरखपुर मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर जिले से है, जहां बदमाश बेखौफ हो चले हैं और कहीं भी हत्या लूट कर भाग जा रहे हैं। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के गोपालपुर में एक हार्डवेयर की दुकान पर सामान खरीदने गए युवक को दो बाइक पर सवार चार अज्ञात बदमाश मुंह बांधे पहुंचकर युवक को चाकू मारकर मरणासन्न कर दिए। उसे मरा जान करके बेहोश फरार हो गए। घटना की सूचना गोला थाने पर पहुंची कोतवाल गोला भारी फोर्स लेकर के घटना स्थल के लिए रवाना हुए। उधर सूचना पाकर SDM गोला राजेंद्र बहादुर सिंह और गोला अंजनी कुमार पांडे भी घटना स्थल पर पहुंचे। जिला मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह भी घटना स्थल पर पहुंचकर घटना के विषय में जांच पड़ताल किए। उधर घायल युवक को उसके परिजन लेकर के तत्काल जिला पर इलाज के लिए पहुंचे और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की मौत हो गई। गोला थाना क्षेत्र के ग्राम उन्नौली निवासी अनीश कुमार उम्र 30 वर्ष अपने निजी साधन से गोपालपुर एक हार्डवेयर की दुकान पर शनिवार को समय लगभग 12 बजे सामान खरीदकर बाहर आए कि सड़क पर दो बाइक से अज्ञात चार बदमाश मुंह बांधे आ पड़े और बाइक रोक करके अनीश पर ताबड़तोड़ चारों ओर से चाकू से हमला कर दिया। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण इलाज शुरू होते ही अनीश ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर SDM गोला CO गोला घटना स्थल पर पहुंच गए। घायल युवक के शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। गोला थाने के अंतर्गत गोपालपुर बाजार में एक युवा की चाकू से वार करके हत्या किया गया है। परिवार वालों से मैं बात कर रहा हूँ, उनसे तहरीर लेके तुरंत FIR दर्ज किया जा रहा है और इस पूरा घटना को देखते हुए NSA के तहत कार्रवाई करने की पूरा तैयारी की जा रही है। सर, कौन लोग थे, क्या थे, कुछ पता चला था? जो मृतक था उन्होंने प्यार विवाह किया है, लड़की के अपने मर्जी से शादी किया है, तो जो लड़की के घर वालों पर आरोप लगा रहे हैं।